वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार चटाकेदार सी चने की दाल विद लौकी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमारे पास इंस्टेंट पॉट है, इसका हम सॉटे मोड ऑन कर देते हैं। तो जैसे चूल्हा ऑन हो गया है तो इसमें अब हम डालेंगे 2 कप भीगी हुई चने की दाल। तो ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी, तो इसको अब हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। बिलफर्ज अगर आपको इसमें 2-4 दाने चावल के नज़र आ जाते हैं तो इग्नोर मारिएगा। वो क्या हुआ, मैंने चावल भी निकाले हुए थे और दाल भी निकाली हुई थी, मेरी नज़र चूकी और आना ने दोनों चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर दिया। तो जितना मैंने सेपरेट कर सकती थी कर दिया, लेकिन कुछ दाने जो है बच्ची की याद में पका रही हूँ तो अब इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। साथ ही हमारे पास यहाँ 1 पाउंड यानी 1/2 किलो के आसपास लौकी है, जो कि मैंने काट के और दरमियान ने बड़े पीसेस काट के रखे हैं, देखे छोटे छोटे नहीं किए। तो ये डाल देंगे। हमारे यहाँ सीड सेंटर में होते ही हैं, अगर आपके नहीं है तब आपका जैकपॉट निकल आया। तो वो मैंने थोड़े से निकाल दिए, थोड़े से रहने दिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये डाल देंगे और उसको मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी में खुद पानी बहुत होता है और कुछ लोग लौकी को घिया भी कहते हैं, जो आपका दिल चाहे बोले, मुझे तो बहुत पसंद है कैंसिल करते हैं सॉटे मोड, प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और ये इसमें टाइम सेट है 8 मिनट, तो हम वो ही रहने देंगे। तो बेसिकली प्रेशर डेवलप होने के 8 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ 3 मिनट जो है अभी भी बाकी है प्रेशर कुकर ऑफ होने में, तो हम अपना मसाला भुनना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखें, हमने एक पॉट लिया है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 4 से 5 टेबलस्पून तेल, अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, अक्सर लोग घी में दाल पसंद करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे 2 मोटी वाली इलायचियाँ, 3 लौंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ये सब चला जाएगा इसमें। 30-40 सेकेंड सॉटे करेंगे ताकि तेल में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, ब्राउन नहीं करेंगे, बस 10-20 सेकेंड सॉटे करेंगे। और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे 5 टेबलस्पून तली हुई प्याज, अगर आपके पास तली हुई ना हो तो इस पॉइंट पर आप प्याज को फ्राई कर लें और लार्ज एक ले लें। आहा क्या खुशबू आ रही है। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 2 टोमेटोस, 1 टीस्पून नमक ताकि टोमेटोस जल्दी गल जाए। मुझे लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है, शफी को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और मिक्स करने के बाद उनको और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरा फ्लेवर जो है दाल में आ जाता है, लौकी का इतना मज़े की लगती है। चलें अब इसे हम कवर कर देते हैं फॉर 1 मिनट। चलिए 1 मिनट के आसपास हो गया है, इसको खोलते हैं, स्टीम अंदर ही डाल देंगे। और यहाँ देखें थोड़े बहुत टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तब इसमें हम मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी और इनको भून लेंगे।
एक टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्च है हालोपिनोस, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और यहाँ हमारे पास कड़ी पत्ते हैं, ये डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे क्वार्टर टीस्पून के आसपास हींग। इसमें हींग अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि गैस नहीं होता है। अगर आप चाहें तो तेल में उस वक्त भी डाल सकते थे और अभी भी डाल सकते हैं। चले, प्रेशर जो है इसको डाउन हुए हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो वेंट करते हैं। तो चले खोलते हैं। ये देखें, ये देखना हमें ये है कि दाल हमारी गल गई है। तो ये देखें, उंगली लगाई और प्रेस हो गई, ये राइट है। और अब दाल को लेके हम तड़के में डालेंगे। वाह, अब इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, लौकी भी साबित साबित नज़र आ रही है, और लौकी गल भी गई है। ये देखें कितनी अच्छी सी, ज़ाया नहीं हो जानी चाहिए बेचारी, कि भाई अंदर डाली है और गायब ही हो गई है, नज़र आनी चाहिए। इसीलिए थोड़े से पीसेस बड़े भी करने चाहिए, और दाल को भिगो देना चाहिए, ताकि दाल का और इसका टाइमिंग सेम रहे। अदरवाइज़ दाल लेट गलेगी और लौकी जल्दी गल जाएगी, और भिगो देंगे तो अब दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम होंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आया है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें इमली का पानी। तो यहाँ देखें, हमने 1 टेबलस्पून इमली ली थी, जिसमें 4 टेबलस्पून पानी डाल के उसको भिगो दिया था। तो अब ये डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून, जितना आपको खट्टा पसंद हो उस हिसाब से। मैंने 5 टेबलस्पून डाल दिया, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी। ये हमारे पास सूखी हुई मेथी है, ये हाथ में लेके इसको क्रश कर देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इस पे हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया। और इसको कवर करके 2 मिनट्स के लिए रख देंगे, ताकि सारी खुशबुएं इनकॉर्पोरेट हो जाए। देखिए, 2 मिनट हो गए हैं चूल्हे को करते हैं बंद, और आपको खुशबुएं देते हैं और डिश आउट करते हैं। रेडी, 1, 2 और ये 3। वाह, और अब इस पर गार्निश करेंगे थोड़ा सी हरी मिर्च और हरे धनिए से। तो देखा कैसे चटपट चटकारेदार मज़ेदार सी हमारी लौकी वाली चने की दाल बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही। और ये रोटियों में भी बहुत अच्छी लगती है, और चावलों में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं रोटी के साथ ट्राई करती हूँ। मैच मेड इन हेवन, एक जूसी और मज़ेदार सी सब्ज़ी, और उसके साथ चटाकेदार दाल, ये आप लोग के लिए माइंड ब्लोइंग।
इतनी ख़तरनाक खुशबुएं भी आ रही है। लौकी की खुशबू जब दाल में आ जाती है बहुत मज़े की लगती है। एक टिप है कि ये जो है ये थोड़ी सी जैसे मैंने ढीली रखी है ना, इस तरह से ढीली रखना ज़रूरी है। अगर सूखी भी रखेंगे इतनी मज़े की नहीं लगेगी, बड़ा ड्राई ड्राई सी लगेगी। तो इतनी ढीली रखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा चावलों के साथ भी और रोटियों के साथ भी। बल्कि इससे थोड़ी ढीली कर सकते हैं लेकिन सूखी नहीं कीजिएगा। बाकी बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।